अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है जी, कल हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स वगैरह पढ़ लिए थे, डाइजेशन की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें कौन कौन से टर्म यूज होती हैं वो पढ़ी थी, न्यूट्रिशन पढ़ी थी, न्यूट्रिशन की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी कि वो क्यों जरूरी है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करेंगे। उसमें दो चीजें हमने आज कवर करनी है, वो है विटामिन्स और मिनरल्स। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग। जैसा कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पलेट पहले से बनाया था कि जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वजह जैसे जैसे हमारी बॉडी में 60-80% वाटर है तो ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो हमारे जिस्म से जब वाटर लीव होता है यानी कि यूरिनेशन का प्रोसेस होता है तो ये भी साथ रिमूव हो जाता है, लिहाजा हमारी डाइट में इनका होना काफी ज्यादा जरूरी है और अच्छी खासी मकदार में। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है वाइटामिन B1। ठीक है जी, जो वाइटामिन B1 है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो विटामिन B1 ये लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जब इनकी हमारे जिसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसके लिए ये जरूरी है। इसके अलावा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो उनके रिएक्शंस होते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जो एंजाइम काम करता है विटामिन B1 उस एंजाइम का को एंजाइम के तौर पर काम कर रहा होता है। अगर ये तो था फंक्शन, अगर हमें क्यों चाहिए, अब बात करते हैं कि जब हमें ना मिले तो मसल वीकनेस हो सकती है, ठीक है जी, हमें बेरी बेरी हो सकती है। बेरी बेरी क्या जी, एक तरह की बीमारी है जिसमें हमारे हार्ट का फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, CNS, उसमें मसले आना शुरू हो जाते। हमें मिलता किन किन चीजों से ये मिल सकता है, तो अगर हम लोग बात करें किन किन चीजों से मिल सकता है तो ये मिल्क है, ठीक है जी, मिल्क से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, हमें ड्राई बीन्स जैसा कि लोबिया हो सकता है उनसे मिल सकता है, होल ग्रेन्स हमें ये उनसे मिल सकता है, ठीक है जी। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये क्यों जरूरी है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जितने राइबोफ्लेविन है तो जितने भी फ्लेविन वाले कोएंजाइम्स हमारी बॉडी में होंगे ये उन सब की रिएक्शंस में काम का के लिए जरूरी है, जैसा कि फूड से एनर्जी को विड्रॉ करने के लिए और FAD FMN, ठीक है जी, इन दोनों को बनाने के लिए जो विटामिन हमें चाहिए वो विटामिन B2 है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये ना मिले तो क्या हो सकता है, तो क्रैक्स आ सकते हैं। कहाँ पे जी, जिस तरह हमारे लिप्स सर्दियों में उनमें दरारें आ जाती हैं, क्रैक आ जाते हैं, इस तरह विटामिन B2 की कमी की वजह से दिन हो या रात हो हमारे होंठों पे एक तो क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है जी, वहां पे सूजिश पैदा हो सकती है, हमारी जुबान जो टंग है, ठीक है जी, उस पर रेडनेस हो सकती है, वो सुरख हद से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा हमें स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसा कि डर्माटाइटिस की एक किस्म है सेब्रोहिया, सेब्रोहिक वो कंडीशन हमें हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं जी हमें ये मिलते किन चीजों से हैं, तो हमें फिर वही बात है, हमें ये मीट, एग, ग्रेन्स, जो जैसे कि होल ग्रेन्स की बात कर लेते हैं, और वेजिटेबल्स, ये हमें उनसे मिल रहे होते हैं। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो वाटर सोलबल वाइटामिन में दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो है वाइटामिन B3, जिसे नियासिन कहते हैं, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के से एनर्जी को विदड्रॉ, एनर्जी को खींचने के लिए जो प्रोसेस होता है जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल वगैरह हो रहे होते हैं, उन प्रोसेस में विटामिन B3 बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसमें एक और जो अहम बात है विटामिन B3 की, वो ये कि ये सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब अगर इसकी कमी हो तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उसमें है जी पेलाग्रा हो सकता है, पेलाग्रा के साथ साथ क्या होता है डर्माटाइटिस हो सकता है, स्किन जिसे कह सकते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरिया हो सकता है, डिमनेंशिया, ठीक है, मेमोरी लॉस और एट द एंड डेथ भी हो सकती है। मैं ये लाइनों के लिए माजरा चाहता हूँ क्योंकि मैं न्यूली यूज कर रहा हूँ तो पेन जरा मुझसे
टैबलेट पे चल नहीं रहा सीधी तरह से, तो जैसे जैसे मैं इसका यूज होऊंगा तो ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हमें इसके सोर्सेस किससे मिलते हैं, तो ये मीट से मिलता है, ठीक है जी। एग है इनके लिए, पोटैटो जिसे हम लोग आलू कहते हैं तो उसमें कहा जाता है, इसके अलावा नट्स हैं और होल ग्रेन्स हैं, ये इन सभी से हमें मिलता है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी, हमारा जो दूसरा अगला वाइटामिन इंपॉर्टेंट है वो वाइटामिन B5 है, ठीक है जी। वाइटामिन B5 जिसे हम लोग पेंथोथेनिक एसिड के नाम से भी पढ़ते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, ये वही बात कि जब फूड हमारा ऐसा फूड जिसमें लिपिड्स खास तौर पे होते हैं, उनमें से एनर्जी को प्रोड्यूस कर, ये हमें मिलता कि गोश्त मीट जैसे कि आ गया, होल ग्रेन्स उनसे मिल सकता है, मीट से तकरीबन हमारे हर किस्म के वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल हो सकते हैं, इन चीजों से जो हमारा कह सकते हैं जी वाइटामिन B5 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। देन उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं तो वो है वाइटामिन B6, ठीक है जी, जिसे हम लोग कहते हैं पायरीडॉक्साइन, ठीक है, पायरीडोक्साइन भी कहा जाता है, पायरीडॉक्साइन भी कहा जा सकता है, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है, जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल वाइटामिन है, ठीक है जी, किन का अमाइनो एसिड को प्रोसेसिंग करते वक्त जो रिएक्शन यूज होते हैं, ठीक है, उन रिएक्शन में जो वाइटामिन हम लोग हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, उन वाइटामिन का में एक प्रिंसिपल वाइटामिन B6 है, यानी कि ये अमीनो एसिड की प्रोसेसिंग में बहुत जरूरी है। इसके अलावा लिपिड की प्रोसेसिंग में भी ये जरूरी होता है। उसके बाद जितने भी वाइटामिन हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारी जो खुराक होती है उससे एनर्जी को निकालने का एक जरिया में हिस्सा डालते हैं, तो लिहाजा अगली लाइन वही है कि जो हम लोग न्यूट्रिशन वगैरह खाते हैं उसमें जो एनर्जी होती है उसे निकालने में वाइटामिन B6 भी पार्ट लेता है। अब अगर इसकी कमी हो जाती है तो इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेट हो जाता है इंसान, इरिटेशन आसानी से उसे इरिटेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी का है, मोटर न्यूरॉन्स की फंक्शन में थोड़ा सा मसला हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, वो गमगीन या अफसुरदा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि अक्सर लोग सैड सॉन्ग सुनते वक्त हम लोग कहते हैं कि, ठीक है। उसके बाद आगे है जी कंफ्यूजन उसे रहती है, ठीक है, वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये काम ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं, मुझसे नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रही, इस तरह की कंडीशन। एनीमिया का मसला उसे हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा अल्सर हो सकता है, अब ये स्टमक अल्सर नहीं होगा, ये माउथ अल्सर होगा, मुंह का अल्सर होता है, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर ट्विचिंग हो सकती है, ठीक है, ट्विचिंग जिसे आप लोग कह सकते हैं कि ऐसे शख्स को ट्विचिंग, अब हम क्या कहें कि अचानक झटका लगता है मसल का, ठीक है, मसल ट्विच करता है, जिसे हम लोग बेंडिंग की कंडीशन कह सकते हैं कि अचानक झटका लगता है, वो कंडीशन होती है। और ये फिर वही बात है कि मीट से हमने पहले बात की, हर किस्म का वाइटामिन तकरीबन मिल जाता है, तो ये मीट में आपको मिल सकता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, दूध की जो बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, दही हो गया, पनीर हो गया, योगर्ट हो गया, उनसे मिल सकता है, होल ग्रेन्स हैं उनसे मिल सकता है, और ऑरेंज जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस में भी वाइटामिन B6 की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। देन उसके बाद हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं तो वो है वाइटामिन B7, ठीक है जी, बायोटिन भी इसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वाइटामिन है ये भी, और फिर वही बात, ये एनर्जी के लिए, ठीक है जी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। सो वाइटामिन B7, ठीक है जी, बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के लिए हमने बात की चाहिए होता है, किस तरह की या किस प्रकार की एनर्जी की जरूरत है, तो हर किस्म की एनर्जी हमारी बॉडी में ATP की फॉर्म में होती है, तो उस ATP की एनर्जी की जब हम लोग खुराक खाते हैं खास तौर पे उसमें अगर अमाइनो एसिड है तो उसके मेटाबॉलिज्म, उसकी ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करवाना, ये जो बायोटिन है वाइटामिन B7 उसमें हिस्सा ले रहा होता है। इसके अलावा फैट सिंथेसिस, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स को बनाना और
जो फैट्स हमारी फूड में है उसको ब्रेक डाउन करना, ये भी बायोटिन के जिम्मे में आता है, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें ये काम होता है उसमें बायोटिन भी पार्ट लेता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें शुगर की लेवल को कंट्रोल रखने में ये बायोटिन काम कर रहा होता है। अब बायोटिन की अगर कमी होगी तो इजीली इंसान में बाकी में भी वाइटामिन इतनी जल्दी शायद उनका पता ना चले कि इसकी कमी है, बायोटिन जो वाइटामिन B7 है इसकी कमी का पता बड़ी जल्दी लग जाता है। जैसा कि सबसे पहले जी इसमें हेयर लॉस हो रहा होता है, ठीक है, आसानी से लोग कहते हैं कि गंजापन हो रहा होता है, अगर अर्ली एजेस में हो रहा होता है तो लाजमी नहीं कि वो इनहेरिटेंस हो, वो वाइटामिन B7 की कमी की वजह से भी हो सकता है। देन उसके बाद है डर्माटाइटिस, फिर वही बात है, स्किन का इश्यू हो सकता है, डिप्रेशन में इंसान जा सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा एक्सट्रीमाइटिस हो सकता है, न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो इजीली शो करती हैं कि मे बी इट इज अ सिम्टम्स ऑफ वाइटामिन B7 डेफिशिएंसी। अब हमें किन किन चीजों से या कौन कौन से ऐसे जराए हैं, सोर्सेज हैं जिनसे ये मिल सकता है, तो वही बात, ये मीट, ठीक है, जैसे पहले बात की, एग है, उसके अलावा लिग्यूम्स, ठीक है, फली वाली सब्जियां जैसे कि मटर हो सकता है, लोबिया हो सकता है, ठीक है जी, ग्वारा हो सकता है, इन चीजों से हमें वाइटामिन B7 की अच्छी खासी मिकदार मिल जाती है। और उसके अलावा अदर वेजिटेबल, वेजिटेबल्स को वैसे मैं यहाँ पे कहता चलूंगा कि जो वेजिटेबल्स हैं कोशिश करें कि वो वेजिटेबल्स आपकी खुराक का हिस्सा हो। आप दिन में एक, तीनों टाइम तो पॉसिबल नहीं, कम से कम एक वरना दो दिन में किसी एक टाइम में सलाद का यूज जरूर करें, ठीक है, सलाद जो है सैलेड उसे इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा बायोटिन बायोटिन का टॉपिक हमारा खत्म होता है, तो हम लोग बात करते हैं जी अगला टॉपिक जो हमारा है वो है वाइटामिन B9, ठीक है, वाइटामिन B9 जिसे हम लोग फॉलिक एसिड का नाम भी देते हैं, ठीक है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो जो वाइटामिन B9 है, ठीक है, फॉलिक एसिड इसे कहते हैं, और ये भी B7 की तरह इम्पोर्टेंट है। क्यों जी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसमें ये पार्ट लेता है, ठीक है, जो रिएक्शन है जिनमें एक सेल की नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, जब सेल्स की डेवलपमेंट अच्छी होगी तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें उन ग्रोथ को अच्छी तरह मेंटेन रखने में नॉर्मल रिएक्शंस का होना बहुत जरूरी है। और जो जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड इसकी मिकदार का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा ये सेल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो जो अर्ली एजेस होती हैं डेवलपमेंट में उसमें इसकी प्रॉपर अमाउंट का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, जब एक फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में अक्सर जो डॉक्टर हजरात फीमेल्स को जो कि एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, उनको मेडिसिन में फॉलिक एसिड लाजमी लिख के देते हैं, या उन्हें कहा जाता है कि फॉलिक एसिड की जो टेबलेट्स हैं वो लाजमी यूज करें, क्योंकि ये फीटल डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो और वो नॉर्मल पैदा हो, या उसके बाद उसमें कोई नॉर्मल मसले नॉर्मल रहे, वो कोई मसले वगैरह ना है जो कि डेवलपमेंट से रिलेट करते हैं, तो वो उसमें फॉलिक एसिड बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा हम जो न्यूक्लिक एसिड है और अमाइनो एसिड है, इनकी मेटाबोलिज्म में भी फॉलिक एसिड अहम किरदार अदा कर रहा था। जैसे कि अभी हमने यहाँ इस हिस्से में बात कर रहे थे कि फीटल की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है तो प्रेगनेंसी में कहा जाता है, तो वही बात है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान इस वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं बच्चे में, पैदाइश जब वो पैदा होता है तो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होता है, उसमें कौन कौन सी बात है, तो जैसा कि न्यूरल ट्यूब में मसला हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से हमें पता है न्यूरल ट्यूब उसमें कन्वर्ट होती है, तो वो मसला हो सकता है। अब हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 31 स्पाइनल नर्व्स हैं जो निकलकर 31 पेयर हैं सॉरी टोटल 62 हैं जो निकलकर हमारी बॉडी में जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। तो अगर न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड के बनते वक्त डिफेक्शन होगी, और अगर उसमें ये मसला आ गया तो उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जितने रिएक्शंस को जितने कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करेगी वो सारे के सारे या उनमें से कुछ जिस हिस्से स्पाइनल कॉर्ड के जिस जिस पार्ट पर ज्यादा डिफेक्ट हुआ होगा वो अब नॉर्मल होगी, वहां वहां पर ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। नॉर्मली बच्चा अक्सर कहा जाता है इसमें कि इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो काफी कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें एनीमिया भी हो सकता है, जैसे कि खून की कमी हो सकती है, तो ये वाली चीजें, इसलिए प्रेगनेंसी में जो फीमेल होती है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो
ये डॉक्टर्स हजरात पे डिपेंड करता है कि वो फीमेल को देख के उसके लिहाज से उसकी कंडीशन के लिहाज से उसे फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं कि इस मंथ से स्टार्ट करना है और कब तक खाना है या कितनी मिकदार में यूज करना है, ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है और फीमेल की कंडीशन पे। तो हम लोग आगे चलते हैं जी, लेकिन इसका बात ये नहीं कि मेल के लिए जरूरी नहीं है, मेल हजरात के लिए भी जरूरी है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, पत्ते वाली, जैसे कि पालक हो गया, बंद गोभी होगी, ठीक है, फूल गोभी नहीं, एक दूसरी होती है, ठीक है, पत्ते वाली गोभी जिसे हम लोग कहते हैं वो यूज की जाती है। इसके अलावा होल व्हीट, ठीक है, गंदम इसमें आ जाती है, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और फिर वही बात है लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है, फली वाले पौधे, मटर वगैरह, इनसे आपको ये अच्छी तरह या अच्छी मिकदार में मिल जाता है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी, हमारा दूसरा टॉपिक है, सॉरी आखिरी टॉपिक है विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, फैट सॉल्युबल बेशक आपको नजर आ रहे होंगे लेकिन हमने अगले लेक्चर में इसे कवर करना है कि विटामिन B12, ठीक है जी, विटामिन B12 ये अब हमें क्यों चाहिए होता है, ठीक है, और इसकी कमी की बात करते हैं और इस लेक्चर को हम लोग रैप अप करते हैं। तो इसकी बात की जाए तो ये हमारी मेंटल, ठीक है जी, नर्वस सिस्टम, मेंटल हेल्थ नर्वस सिस्टम कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली मेंटल हेल्थ के मतलब काफी कहा जाता है कि ये जरूरी होता है, ठीक है, ओवरऑल नर्वस सिस्टम की हम लोग यहाँ पे बात करें। इसके अलावा ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में ये बहुत काम करदार अदा करता है, ठीक है, ब्लड सेल जब बन रहे होते हैं तो वाइटामिन B12 का होना प्रॉपर मिकदार में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब हमें भी पता है कि सब लोग जानते हैं कि अगर ब्लड सेल्स नॉर्मल रहेंगे तो ऑक्सीजन, प्लाज्मा, ये सारा कुछ, रेड व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारा कुछ प्रॉपर रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा होगा, अच्छी तरह वो काम करेगा। तो लिहाजा विटामिन B12 का होना भी जरूरी होता है, इवन के सब विटामिन का होना जरूरी है क्योंकि हम लोग अहमियत के लिहाज से, सिग्निफिकेंस के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एक एक विटामिन को कि उसका क्या क्या किरदार है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, अभी हमने यहाँ पे बात की कि ये सेल्स, ब्लड सेल्स बनने के लिए जरूरी है, तो अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर ब्लड सेल नहीं बनेंगे जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम की हमने बात की है कि ये नर्वस सिस्टम के काम या उसकी हेल्थ के लिए जरूरी है, तो अगर ये डेफिशिएंसी होगी तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग सकती हैं, एपिलेप्सी हो सकती है, ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है, इसके अलावा और भी जो दिमाग के रिलेटेड या नर्वस सिस्टम के रिलेटेड कंडीशन बीमारियां हैं वो हो सकती हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो हमें ये मिलता है किससे, तो ये हमें मीट से मिल सकता है, एग से मिल सकता है, ठीक है, और एनिमल, यहाँ पे एनिमल से मुराद ये नहीं है कि, यहाँ से मुराद वही है कि जानवरों को हमने खाना है, उनके एनिमल्स की, एनिमल्स के गोश्त वगैरह उनसे हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मीट आ गया तो वो उसमें कवर हो सकता है। तो यहां तक जी आज हमने पढ़ा है कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, इसमें हमने पढ़ा विटामिंस, वाटर सॉल्युबल विटामिंस और उसकी कितनी टाइप, उसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक पढ़े हैं जी, ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स के विटामिन पढ़े हैं, जैसा कि हमने पढ़ा विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब ये मत पूछिएगा कि 4 उसके बाद 8 और 9 के बाद 10, 11 कहां गए, तो ये जो हमारी डाइट में होने लाजमी है, आज हमने उसके मतलब पढ़ा कि वो कौन कौन से वाइटामिन है, वाटर सॉल्युबल की बात कर रहा हूँ, उनके इफेक्ट क्या क्या हैं और अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या मसले होंगे और सोर्सेज क्या हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके मतलब मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे मिनरल्स और फैट सॉल्युबल विटामिन। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।